अयोध्या भादरसा रेप कांड के आरोपित सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बाबा योगी का बुलडोजर। मौके पर काफी फोर्स और जनपद के आला अधिकारी मौजूद। गत दिनों एक किशोरी के साथ किया था गैंग रेप। आरोपित मोहित खान और उसका नौकर राजू खान दोनों हैं जेल में बंद। अयोध्या मदरसा गैंग रेप कांड अपडेट। आरोपी मोहित खान का परिवार हाईकोर्ट की शरण में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने को लेकर स्टे हासिल करने के लिए परिवार पहुंचा। हाईकोर्ट के शरण में हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। जिस तरह से यहाँ पर जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए हैं। जहाँ ये कार्रवाई चल रही है वहाँ हमने कुछ दूरी तक पब्लिक से इसको फ्री कर दिया है और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। शांतिपूर्वक कार्रवाई चल रही है। कितनी हमारी फोर्स जनपद से हमने मंगवाई है और अतिरिक्त पुलिस व्यवस्थापन के हमने PAC की व्यवस्था की है। चूँकि सरकारी ज़मीन है उस पर निर्माण हुआ है तो ये तो टोटली इलीगल है। मोरवर तालाब की ज़मीन थी वो तो श्रेणी 6 की ज़मीन है और जैसे कि अयोध्या विकास प्राधिकरण है उनके अधिकारी यहाँ पे हैं। जो प्रोसीजर होती है उसको अडोप्ट नहीं किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है नहीं एक्शन ले रहे हैं ना। ये कब पे चलेगा? ये अभी तो चल ही रहा है, आप देखते हैं। नहीं वो देखा जा रहा है। हाँ वो देखा जा रहा है क्योंकि ये वन डे का काम नहीं होता, आप जानते हैं ना, पेपर्स भी देखने होते हैं, है ना, लैंड को चिन्हित करना होता है तो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको देखना पड़ता है ना। अच्छा, तो इतना लेट क्यों हुआ? नहीं नहीं लेट नहीं है, वो एक प्रोसेस का भाग होता है ना। ऑल इन कार्रवाई कॉम्प्लेक्स के बाद में और कोई कार्रवाई आगे वो तो देखा जाएगा कहाँ कहाँ जो चीज़ें हैं जैसे मिलती है कोई संज्ञान में आता है। चौकी की जमीन थी वो कैसी है? नहीं वो जमीन है शासकीय जमीन है, वे कब्रिस्तान की जमीन है, वो धारा 67 की कार्रवाई होती है, वो उसके ऊपर चलने होती है। ये अवैध निर्माण है और इसमें तालाब की ज़मीन और चक्रों की ज़मीन पर कब्जा किया गया है और बाकी जो बिल्डिंग बनाई गई उसका किसी प्रकार का नक्शा नहीं पास कराया गया है। उसी के तहत इनको कई बार नोटिस दी गई थी लेकिन उन्होंने संबंध मानचित दाखिल नहीं किया। उसी के तहत ये दुष्टिकरण का आदेश पूर्व में ही पारित किया गया था जिसको आज अमल में लाया जा रहा है। जिस तरह से बैंक ने खाली कर दिया आज सुबह, कल रात को खाली कर दिया, थोड़ा वो सामान था सुबह निकाल लेंगे तो बैंक पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग खाली है। क्या अभी जिस तरह से भी हम सब जांच कर रहे हैं, अगर कुछ निकलेगा तो उसमें फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।